तो गाइस आ गया है ग्रैंडी की गॉसिप एंट्री वाली वीडियो। तो टॉप 3 ऐसे धातु ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं करके दिखाऊंगा, जिसको जानकर आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और आज के ये सारे टिप्स एंड ट्रिक बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाले हैं। और अभी ना इससे पहले कि मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक बताना शुरू करूं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो रे बाबा। वरना ये भिखारी आपके पूरे वीडियो में आपसे लाइक मांग रहा है। निकल पूरी मेरे को भिखारी कह रही थी। अरे मैंने थोड़ी कहा था, ग्रैंडपा ने कहा था। तो हेलो डिटेन फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि गाइस आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो फाइनली हम लोग एक बार फिर से पहुंच चुके हैं ग्रैनी ग्रैंडपा का बैंड बजाने। और हाँ गाइस, आज का वीडियो काफी ज्यादा ही खास होने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को मालूम पड़ेगा ग्रैनी गेम की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप करोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अरे भैंस की कुछ भैंस की टांग पड़ा है मेरे घर पे टिप्स एंड ट्रिक करने वाला। अरे अरे भाई, ये बुड्ढा कहाँ से आ गया? ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। तो अभी ठीक है यार, जब तक ये गंजू ग्रैंडपा यहाँ पे आ रहा तब तक थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे छुप जाते ना। रे दारू वाला आया, खिसक चखना निकाल। अगर चखना नहीं है घर पे तो चकली चूड़ा निकाल। यार इसको छोड़ो, हम लोग बढ़ते हैं अभी अपने पहले वाले ट्रिक की ओर। तो ये वाले ट्रिक करने के लिए हमें कोई भारी भरकम सा आइटम चाहिए होगा, जैसे कि ब्रिज क्रैंक हो गया, इलेक्ट्रिक स्विच हो गया, या फिर कोकोनट। एंड इसको लेकर हमें यहाँ पे आना है। और ये वाला फ्लावर पॉट देख रहे हो गाइस, तो आज हम लोग अपने वाले ट्रिक से जिसको नीचे उतारने वाले हैं। तो अभी हमें यहाँ पे बैठना। अरे अरे भाई, ये कहाँ से आ गई? अबे यार, अभी तो ये मेरे को मरवा ही देती। ऐसे बड़ा भैंस के पास तू तो गया। अरे यार, ये बुड्ढा तो फिर से आ गया। ओके गाइस, कोई नहीं, अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए ऊपर की ओर चलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी हमारा रास्ता पूरा क्लियर है। एंड फिलहाल मेरे को यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। एंड हाँ गाइस, अभी हमें दूसरा वाला ट्रिक करने के लिए भी ये वाला फ्लावर पॉट चाहिए होगा। तो जल्दी से भी हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले वाले ट्रिक की ओर। तो ठीक है यार, अपडेट से पहले ना हम लोग यहाँ से जा सकते थे, बट जैसा ही ग्रैंडी का न्यू अपडेट आया ना, यहाँ से बंद कर दिया गया गाइस। तो चलो यार, मैं जल्दी से इसका ट्रिक बता देता हूँ। तो अभी बस हमें इलेक्ट्रिक स्विच को यहाँ पे ड्रॉप करना है। और ये लो भाई, तो अभी हम लोग बिल्कुल आराम से ऊपर आ चुके हैं। तो अभी कह रहे बाबा जल्दी से इसको नीचे उतार लेते ना। रे बाबा। और हाँ गाइस, अभी ग्रैनी वाला फ्लावर पॉट लेना इससे भी ज्यादा आसान है। बट उससे पहले गाइस, आप लोग कमेंट में ये बताओ कि आप लोगों को ये ट्रिक कैसा लगा। और हाँ, किस किस को ये ट्रिक पहले से पता था वो लोग भी कमेंट करके बताओ गाइस। और अभी ये लो भाई, हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। एंड इस वाले फ्लावर पॉट को निकालने के लिए मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना, अभी हमें यहाँ पे आकर सिंपली बैठ जाना है। और बस जॉयस्टिक को पीछे खींचना, इसको ड्रॉप करो कैच करो, ड्रॉप करो कैच करो। एंड इसको करके गाइस हम लोग धीरे धीरे इस वाले व्हील चेयर के ऊपर आ जाएंगे। एंड अभी ना थोड़ा सा मैं और चढ़ना, और बस ये लो भाई, तो फाइनली हम लोग ऊपर की ओर आ चुके हैं। एंड अभी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है और इस वाले बास को नीचे उतार लेना है। एंड हाँ भाई, अभी वीडियो को स्किप करने का बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि अभी ना मैं आप लोग को एक बोनस वाला ट्रिक देने वाला हूँ, जिसको देखकर आप लोग सिर्फ अभी एक ही बात कहेंगे, भाई वाह। तो इस वाले ट्रिक को करने के लिए गाइस, हमें दोनों में से कोई भी फ्लावर पॉट को लेकर नीचे जाना है। मेरा नीचे का मतलब गाइस, इस वाले डाइनिंग टेबल के नीचे जाना है। एंड अभी बस हमें इसको यहाँ पे नीचे ड्रॉप करना है। और ये लो भाई, तो अभी हम लोग ग्रैनी ग्रैंडपा के डाइनिंग टेबल के ऊपर आ गए। रे बाबा। और अभी ना इससे बल्कि बुढ़ा बुढ़िया यहाँ पे आ जाए। तो अभी जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो ये वाले ट्रिक करने के लिए गाइस, हमें बुढ़ा का फ्लावर पॉट लेकर यहाँ पे आ जाना है। एंड यहाँ पे तो गाइस फिलहाल तो बंद है, तो अभी ना हम लोग यहाँ से पीछे से जाना पड़ेगा। और ओ भाई साहब, यहाँ पे तो काफी ज्यादा ही शोर हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ग्रैनी भी आती होगी। तो इस वाले ट्रिक को करने के लिए इसको अभी हमें हटा लेना है। एंड इस वाले फ्लावर पॉट को हमें नीचे की ओर ड्रॉप करना। और ये लो भाई, तो अभी हम लोग दीवार के आर पार आ चुके हैं गाइस। एंड यहाँ पे मेरे को ग्रैंड ग्रैंड पर कुछ नहीं कर सकते, बट ये ट्रिक यहीं पे खत्म नहीं होती गाइस। तो हमें यहाँ पे खड़ा होकर साइड वाले बटन को दबाना है। और ये देखो भाई, हम लोग ऊपर की ओर जा चुके हैं। और अभी फाइनली हम लोग दीवारों के ऊपर चल सकते हैं गाइस। लेकिन ये वाला ट्रिक ना भी थोड़ा सा हमें संभल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से नीचे गिर गए ना, तो ये सारा कुछ हमें वापस से करना पड़ेगा। तो ठीक है यार, फिलहाल ना गाइस यहाँ पे हमारा करेक्टर अटक चुका है, ऐसा भी आप लोग को देखने में लग रहा होगा। लेकिन नहीं भाई, सिंपली हमें यहाँ पे आकर बैठ जाना है। एंड ये वाला जॉयस्टिक को खींचे रखना। इससे ना गाइस ये होगा कि हम लोग धीरे धीरे खुद ही आगे बढ़ते रहेंगे। और हाँ भाई, ये वाला ट्रिक करने में ना बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, वरना आप ये दीवारों से सीधा नीचे गिर जाओगे, और फिर ना आपको ये सारा कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। तो इसलिए भाई, ये ट्रिक करते वक्त थोड़ा सा आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। और ये देखो गाइस, हम लोग ना यहाँ से देख सकते हैं इसके अंदर आखिर क्या है। और इस वाला ट्रिक का खास बात ये भी है गाइस कि इसको हम लोग ले भी सकते हैं, वो भी बिना गाइस पैडलॉक की और फ्लावर पॉट लगाए। बट इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि यार यहाँ से तो
ये नहीं आ रहा तो चलो यार जल्दी से बढ़ते हम लोग आगे की साइड। और ये तो भाई अभी भी हाथ में नहीं आ रहा, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो अभी हम लोग इससे काफी ज्यादा ही क्लोज आ चुके हैं एंड आई थिंक इतना काफी होगा। और ये लो भाई आखिर ये हाथ में आ ही गया। तो चलो यार हम लोग बढ़ते अपना एक लास्ट ट्रिक की ओर। तो अभी ये वाले ट्रिक करने के लिए गाइस हमें एक ब्रिज क्रैंच चाहिए होगा जो कि हमें इस वाले लॉकर से मिल गया रे पापा। और हाँ अभी ना मैं बुढ़ा बुढ़े से बचकर नीचे क्यों चलना है। और दोस्तों तो अभी ना मैं इस वाले ब्रिज क्रैंच को यहाँ पे लगाना है एंड इस वाले ब्रिज को नीचे ले आना है गाइस। और हाँ अभी नहीं सेकंड हमें इस वाले ट्रिक को करने के लिए एक शॉटगन चाहिए होगा जो कि मैंने ऑलरेडी छिपा कर यहाँ पे रखा था। और अभी ये वाले ट्रिक ना ग्रैनी ग्रैंडपा के बिना हो ही नहीं सकता तो इसलिए अभी हमें यहाँ पे ग्रैनी ग्रैंडपा को बुला लेना है। वैसे यार ग्रैंडपा कुछ सुनाई नहीं देता पर ये शॉटगन की आवाज इनको अच्छी सुनाई देती है। अरे बाबा मिल गया मुझे जैसे बेटा। ओके भाई ग्रैनी तो यहाँ पे आ चुकी है बस हमें अभी ग्रैंडपा का वेट है। और हाँ टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि यार अभी ना यहाँ पे ग्रैंडपा भी आते ही होंगे। भैंस के पूछ आते होंगे ना भैंस के पूछ आ गए। ओके यार तो अभी ना मैं इनको बस अपना पीछे लेकर आना है। और हाँ भाई डोंट वरी आज मैं यहाँ से स्केप नहीं करने वाला। आखिर तू फंस गया ना इस गंदे ग्रैनी के सरेंद्र पे। अभी तो आप लोगों लग रहा हो कि मैं तो मरने वाला हूँ पर डोंट वरी अभी ना हम लोग यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे ग्रैनी ग्रैंडपा हमें कुछ भी नहीं कर सकते। अरे भैंस के मुझे झूठ बोल रहा है। अरे ग्रैंडपा हम लोग वहाँ पे जा ही नहीं सकते। अरे हाँ भाई की पूछा मेरे सच में वहाँ पे नहीं जा पा रहे। तो देखा गाइस ये लोग ना अभी मेरा कुछ भी नहीं कर सकते बट अभी ना हम लोग इनका यहाँ से जरूर कुछ कर सकते हैं। अरे ऐसे क्या कर सकता है जैसे बेटा हम लोग यहीं पे खड़े होकर पट्टे से हेडशॉट मार सकते हैं। पट्टे से हेडशॉट। तो गाइस अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करो और टल्ली लगाना वाला गाइस बिल्कुल मत भूलना। तो ठीक है यार आज के लिए इतना टिप्स एंड ट्रिक काफी होगा। और अगर आप लोगों को इसका पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 3 लिख देना। तो फिलहाल के लिए टाटा बाय सी यू सायोनारा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जल्दी से लाइक करो मिलेगा मुझे गन्ना डाल गन्ना चूस के। खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना 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 खत्म बाय बाय टाटा।